हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। अगर आपको अपने घर में खुशियां बरकरार रखनी है और आप चाहते हैं कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके रखें, तो आपको झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। जी हाँ, कभी भी अपने घर में रखी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। झाड़ू हमारे घर की गंदगी को साफ करने का काम करती है। हमारे घर की गंदगी को साफ करके दरिद्रता को बाहर निकालने का काम करती है और झाड़ू की वजह से ही हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसे में आज हम आपको झाड़ू से जुड़ी कई बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, और अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल सकती है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने घर में नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो आपको ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि नई झाड़ू हमेशा शनिवार के दिन ही खरीदे, क्योंकि शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और आप अपने घर के अंदर झाड़ू को इधर उधर कभी ना फेंके, हमेशा झाड़ू को दक्षिण दिशा के कमरे में ही रखें। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी टूटी फूटी झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ अपने घर की झाड़ू को लोगों की नज़र से हमेशा दूर रखें। आप झाड़ू ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। वास्तु के अनुसार जिस प्रकार आप अपने धन को छुपा कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको अपने घर की झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमसे झाड़ू पर पैर लग जाता है। अगर आपसे भी कुछ इस तरह की भूल होती है तो ऐसी स्थिति में आपको माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, इसीलिए जब भी झाड़ू पर पैर लगे तो माफी जरूर मांगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बहुत से लोग पुरानी झाड़ू होने के बाद उसको कई बार जला देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बताया गया है। कभी भी अपने घर की झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए। तो इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जिससे आपको फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती रिपोर्ट।